नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के बलिया में पुलिस द्वारा एक युवक की डंडे से सरेआम पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हुआ है। मामला 23 अक्टूबर 2018 का है। ये बैरिया थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव का मामला है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा पिटाई खा रही युवक की माने तो एक ट्रैक्टर पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए अपने गांव से निकल रहा था। वहीं मैं लोगों को साइड करा रहा था, तभी एक सिपाही दारू पीकर उधर से आया और मुझे धक्का मार दिया। जब मैं सिपाही से पूछा कि आप गाड़ी देखकर क्यों नहीं चला रहे हैं, तब सिपाही ने मेरा कॉलर पकड़कर पिटाई करना शुरू कर दिया। गाँव वालों ने किसी तरह मुश्किल से मुझे सिपाही से छुड़ाया। अब पुलिस उल्टा मेरे और गाँव के लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर दी है। हम संतोष यादव मधुबनी से बोल रहे हैं सर। हम दुर्गा जी की मूर्ति जो है ट्रैक्टर पर लाद कर रोड पर लाए और उसके बाद साइड करा रहे थे गाड़ी को। तब तक सिपाही जी दारू पी करके उधर से आए और आकर के हमको जो है मोटरसाइकिल से धक्का मार दिए। धक्का मारने के बाद जो है हम गए उनके पास कि पूछने के लिए कि आप हमें आदमी को देख कर गाड़ी चलाइए, जो है हमें धक्का लग गया, हमें घाव लग गया है, चोट लगा है हमें। तब तक हमारा कॉलर पकड़ लिए और पकड़ कर मारने लगे। उसके बाद गांव वाले लोग जो है छुड़ा रहे थे, नहीं छोड़ रहे थे वो। हाँ, पूरा प्रयास करने के बाद वो छोड़े। तो जो है छोड़ने के बाद हम लोग वहां से हट गए, तो सभी लोग चले गए। उसके बाद हम पर भी मुकदमा कर दिया गया है और गाँव वालों पर भी मुकदमा कर दिया गया है। वही पुलिस का कहना है कि गांव वाले मूर्ति गाड़ी पर चढ़ा रहे थे, तभी एक सिपाही की गाड़ी से एक व्यक्ति को धक्का लग गया था। इसके बाद मारपीट हो गई। इस संबंध में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसमें वहाँ पे गाँव वाले शायद आस पास अपनी मूर्तियाँ गाड़ियों में चढ़ा रहे थे। उस समय एक सिपाही वहां से गुजर रहा था एक होमगार्ड के साथ अपने मोटरसाइकिल। जो मुझे बताया गया है और जो एफआईआर में आया है वो ये है कि सिपाही से धक्का लग गया था एक आदमी को और उसके बाद मारपीट हुई है, जिसमें एक होमगार्ड का हाथ टूट गया और उसका सर भी फटा हुआ है। इस संबंध में सिपाही की ओर से मुकदमा कायम है और उसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। एक कहानी अब ये भी आ रही है कि सिपाही की गलती से ये मारपीट शुरू हुई है, तो उस बात में अभी तक मेरे पास कोई आधिकारिक रूप से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होती है तो उस पर निष्पक्ष जांच होगी और यदि मेरा सिपाही दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। जी मैम, साथ वीडियो में दिख रहा है कि सिपाही जी और उनके बीच में कुछ विवाद हो रहा है, तो क्या ये जाहिर से नहीं बनता है बनती है कि आप एक आला अधिकारी हैं तो आप कुछ उस वीडियो के आधार पर कुछ कार्रवाई बनती है, जैसा कि पीड़ित पर कार्रवाई हो चुकी है अभी तक केस पर कार्रवाई के लिए हमारे सिपाही ने तहरीर दी थी। यदि दूसरा पक्ष कुछ मुझे लिख के शिकायत देता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वीडियोस बहुत बनते हैं, कब कहां स्प्लाइसिंग होती है, कब जोड़ा जाता है, वो तब स्पष्ट होगा जब वो विधिवत जांच हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।